नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रशांत शर्मा। हाल ही में भारतीय टेस्ट उपकप्तान रोहित शर्मा चोट के चलते टीम से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह इंडिया ए के कप्तान प्रियांक पांचल ने टीम में उनकी जगह ली है। प्रियांक पांचल घरेलू क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ियों में से एक हैं जिनके नाम 100 से भी ज़्यादा फर्स्ट क्लास मैच हैं। हैरानी होती है कि इतना अनुभव होने के बावजूद भी उन्हें 31 साल की उम्र में भारतीय टीम के साथ जुड़ने का मौका मिला है। ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब भारतीय टीम में किसी खिलाड़ी ने 30 या उससे ज़्यादा की उम्र में भारत के लिए अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की हो। इससे पहले भी कई भारतीय खिलाड़ियों ने भारत के लिए 30 या उससे ज़्यादा की उम्र में डेब्यू किया। आज की इस वीडियो में हम इस सदी के उन्हीं तीन खिलाड़ियों की बात करेंगे जिनका 30 साल की उम्र के बाद भारत के लिए डेब्यू हुआ। नंबर एक, सूर्य कुमार यादव। भारत के मिस्टर 360 कहलाए जाने वाले बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने इसी साल इंग्लैंड के खिलाफ T20 अंतर्राष्ट्रीय से अपने करियर की शुरुआत की। उन्हें अपने पहले मैच में बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला था, मगर सूर्य कुमार यादव ने अपने दूसरे मैच में शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना पहला 50 जड़ा था। जिस समय सूर्य कुमार यादव ने अपने करियर की शुरुआत की तब उनकी उम्र 30 साल थी। नंबर दो, फैज फजल। फैज फजल भारतीय घरेलू स्तर का वो हिस्सा है जिन पर कभी भारतीय सेलेक्टर्स की सही से निगाहें गई ही नहीं। फैज फजल के पास घरेलू स्तर का इतना अनुभव है कि अगर उन्हें भारतीय टीम में लंबे समय के लिए मौका दिया जाता तो शायद उनका भी नाम महान बल्लेबाजों में शुमार होता। फैजल ने साल 2016 में जिम्बाब्वे के विरुद्ध अपने करियर का एकमात्र वनडे मुकाबला खेला जिसमें उन्होंने 55 रनों की नाबाद पारी खेली। बता दें कि फैज फजल ने भारत के लिए 31 साल की उम्र में अपना डेब्यू किया। नंबर तीन, एस अरविंद। साल 2015 में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध एस अरविंद ने भारत के लिए डेब्यू किया था। श्रीनाथ अरविंद को उनके पहले मैच में काफ़ी मार पड़ी थी जिसके चलते उन्हें सीरीज के बाकी मैचों में जगह नहीं मिल पाई थी। श्रीनाथ अरविंद की भी तब उम्र 31 वर्ष थी जब उन्होंने भारत के लिए पर्दापण किया, मगर उस श्रृंखला के बाद अरविंद को फिर दोबारा भारतीय टीम में मौका नहीं मिला और वो भी एक मैच खेल कर रह गए। तो ये थे वो भारतीय खिलाड़ी जिनके लिए 30 साल की उम्र के बाद भारतीय टीम के दरवाजे खुले और जिन्हें इस मौके को पाने के लिए सालों तक इंतज़ार करना पड़ा। बाकी ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया को।